हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फोटो से यहाँ इस तरीके का होली एडिटिंग कैसे कर सकते हो। आप लोग वीडियो को देख सकते हो, सेम आप लोग को इस तरीके का एडिटिंग आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो फिर आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आप लोग VN एप्लीकेशन में किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं और स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि यहां से आप लोगों को VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। फ्रेंड VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहां पे न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको फोटो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आएंगे और यहाँ पे आप लोग को ऑल का फोटो आप लोग को दिखाई देगा। तो सिंपल आप लोग इस पर आ जाइएगा और उसके बाद आप लोग कोई सा भी आप लोग फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका फोटो रहेगा। आप लोग यहाँ से फोटो को आप लोग सिलेक्ट कर दीजिएगा। आप लोग इसमें से कोई सा भी फोटो आप लोग लगा सकते हो, ये नहीं कि आप लोग के साथ यहाँ पे होली वाला ही फोटो लगाना है। तो फिर आप लोग किसी का भी फोटो आप लोग लगा सकते हो। मेरे पास ये वाला फोटो है तो मैं इसको आप लोगों के साथ यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो फिर आपको इस तरीके से कर लेना है और उसके बाद आप लोग को ऊपर आप लोग को ओरिजिनल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर 9.60 पे आप लोगों को कर देना है, यानी ये रील्स टाइप का यहाँ पर आप लोग के साथ यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर इतना करने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को इस वाले प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग को फोटो एंड वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को दो तीन मतलब यहाँ से आप लोग को मटेरियल दे दूंगा, आप लोग उसको आप लोग को यूज कर लीजिएगा। जैसे कि ये वाला है बॉर्डर लाइट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको आप लोग को बनाने के लिए आप लोग क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को फिट का ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपल आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यह पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से आपको इसको ब्लेंडिंग मोड आप लोग को चेंज करना है। तो ब्लेंडिंग पर आप लोग को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग इसमें से आप लोग देख लेंगे कौन सा आप लोग के साथ यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो यहाँ से लाइटनिंग वाला अच्छा लग रहा है तो इसको आप लोग को लाइटनिंग कर देना है और फिर से आप लोग को उसी तरीके से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बॉर्डर लाइट किस तरीके से लग चुका है। तो फिर से आप लोग क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को इस इमेज वाले प्लस पे आप लोग को क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा फोटो एंड वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को इस वाले PNG को आप लोग को ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड इस वाले PNG को किस तरीके से मैं लेता हूँ और आपको भी बताता हूँ आप लोग किस तरीके से ले सकते हो। तो फ्रेंड इसको भी आप लोग को फिट कर देना है। तो देखिए यहाँ से फिट वाला ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपल आप लोग क्या करना है कि इस फिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको फिट कर देंगे और उसके बाद आप लोग को इसको भी आप लोग को ब्लेंडिंग मोड आप लोग को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इतना करके और यहाँ से भी आप लोग को उसी तरीके से चेक कर लेना है किस तरीके से आपका यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो लाइटन पर ही सही है तो इसको आप लोग इतना कर लेंगे और उसके बाद फिर से आप लोग क्या करेंगे कि फिर से आप लोग उसी तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा फिर से आप लोग को एक वीडियो को आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग को ले लेंगे। जो मैं यूज कर रहा हूँ सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपको इतना करके और यहाँ से एडजस्ट करना है अपने वीडियो अपने मतलब फोटो के हिसाब से अपने वीडियो के हिसाब से आप लोग को यहाँ पे मतलब एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आप लोग को अच्छे तरीके से ही करना है, थोड़ा नीचे कर लेना है। और दोस्तों इतना करने के बाद फिर से आपको इसको भी आप लोग को चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग देख लीजिए कौन सा आप लोग के साथ यहाँ पर सही लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को डार्कन पर ही रखिएगा, आपको साथ यहाँ पर सही लगेगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वीडियो हल्का सा बन के तैयार हो चुका है। तो इसको आप लोग को यहाँ पर डिलीट कर देना है वाटरमार्क को। और दोस्तों इतना करने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करेंगे और इस वाले लाइट PNG को आप लोग को ले लेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइट PNG को ले लेंगे, आप लोग इसको ले लीजिएगा। और फिर से आप लोग को इसको भी फुल स्क्रीन करना है, यानी फुल स्क्रीन करने के लिए आप लोग क्या करना होगा कि यहाँ से फिट वाला ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा आपका साथ यहाँ पे फिट हो जाएगा और यहाँ से ब्लेंडिंग वाला आप लोग को चेंज कर दे रहे हैं। सिर्फ आप लोग एक ही क्लिक में आप लोगों के साथ यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ और यहाँ से डन पे क्लिक कर दिया हूँ। तो दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा इसको आप लोग को स्टेटस के मुताबिक यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यानी कि 30 सेकंड तक मैं यहाँ पे कर लूँ। आपको भी इतना जितना आप लोग चाहिए उतना आप लोग कर सकते हो, बट आप लोग मैं कहूँगा गाना के हिसाब से आप लोग रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 30 सेकंड तक यहाँ पे रख लिया हूँ और उसके बाद आप लोग क्या क्या करेंगे चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से अच्छे अच्छे तरीके से मैं आपको किस तरीके से बताता हूँ और यहाँ से आप लोगों को कुछ कुछ एडजस्ट करना है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर वीडियो चल रहा है, तो कहाँ कहाँ आप लोग क्या क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इतना करने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि शुरू में आ जाना है और शुरू में आने के बाद आप लोग को बीच बीच में आप लोग कट लगाना है।
तो फ्रेंड कट लगाने के लिए आप लोग क्या करना है कि स्प्लिट का ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है कि बीच में आकर और यहाँ से आप लोग को स्प्लिट का ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो बीच में यहाँ से कट जाएगा। तो फ्रेंड आपको क्या करना है कि चार पाँच भाग में यहाँ मतलब तीन चार भाग में आप लोग को यहाँ पर कट लगा देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सेम आपको इतना करके और यहाँ से आप लोग को अच्छे तरीके से लगा लेना है अपने वीडियो को मतलब हिसाब से आप लोग को लगा देना है। तो देखिए इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद आप लोग को इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को जूम इन के ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जूम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो सिंपल आप लोग को जूम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को मूव राइट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपल इस पर आप लोग को क्लिक करेंगे और यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ पर दूसरे वाले पे आ जाएंगे। चलिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं और यहाँ से आप लोग को इसको मूव राइट मतलब लेफ्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले पे आ चुके और यहाँ से जूम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव राइट पे आप मूव लेफ्ट पे आप लोग के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ और इसको भी आप लोग को फिर से उसी तरीके से आप लोग को मूव राइट पे करना है और इसको मूव लेफ्ट में आप लोग को कर देना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मूव लेफ्ट में लेफ्ट मतलब आप लोग के साथ यहाँ पे हो रहा है। तो देख सकते हो वीडियो किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो फिर आपको यहाँ पे सेम आप लोग को इतना करके और वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में वीडियो में कुछ नहीं है फिर, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपके साथ यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। तो फिर आपको थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे इसको आप लोग को डुप्लीकेट बनाना है। तो फिर इसको आप लोग को मतलब थोड़ा डुप्लीकेट बनाने के लिए आप लोग डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको खींच कर पूरा लास्ट में ले चलेंगे, क्योंकि फिर ये थोड़ा छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए आप लोग साथ यहाँ पे डुप्लीकेट में बनाया हूँ और इसको आप लोग को वीडियो को चलाकर दिखा देते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। तो फिर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है, कितना हैवी यहाँ पे मतलब कितना मस्त तरीके से यहाँ पे होली एडिटिंग हो चुका है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हो किस तरीके से इफेक्ट भी सब कुछ आप लोग के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। तो सेम आप लोग क्या करना कि यहां से आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कितना मस्त तरीके से यहां पे बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको क्या क्या करना है चलिए मैं आपको बताते हैं। तो फ्रेंड इसको सेव करने के लिए आप लोग क्या करना है कि इस वाले मतलब ऊपर आप लोग का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग को इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट का और यहां से आप लोग को सेव कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए किसी अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।